a very, very good evening, good afternoon, good morning on the time on which you are watching the video. Namaskar, मैं हूँ सौरभ कुमार विद्या मंदिर क्लासेस से. आज के इस एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं बिटसैट एग्ज़ाम को डीकोड. यानी हम लोग सारी बात आज करेंगे बिटसैट के बारे में. बिटसैट यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट. तो आइए देखते हैं सारी बातें, सारी जानकारी, कट ऑफ, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, कितने नंबर पे किस जगह पर एडमिशन मिलता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं. हाँ, और एक बहुत ज़रूरी चीज़, हम जानेंगे बिटसैट के एग्ज़ाम में छुपा हुआ एक सीक्रेट, एक ऐसा सीक्रेट जो आपकी रैंक को बूस्ट कर सकता है, जो आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकता है उन्हीं 3 घंटों के अंदर. ठीक है, तो वो सीक्रेट बहुत ज़रूरी है. तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए और उस सीक्रेट को पता करिए कि हम किस सीक्रेट की बात कर रहे हैं जो बिटसैट एग्ज़ाम में आपको बूस्ट करा सकता है, आपको वैल्यू ऐड करा सकता है, आपको अच्छी रैंक दिला सकता है, अच्छा कॉलेज चूज करा सकता है. ठीक है, चलिए बात करनी शुरू करते हैं बिटसैट की. तो अगर हम लोग बिटसैट की नॉर्मली बात करते हैं तो बिटसैट जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है बिटसैट में, कि बिटसैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कॉलेज ऑफ एमिनेंस, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, इसका खिताब, दर्जा या इक्वालिटी दी है. मतलब ये उतना ही प्रोमिनेंट है जितने प्रोमिनेंट IITs हैं. तो 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिट्स को जो है कॉलेज ऑफ एमिनेंस या इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का इक्विवेलेंस दिया है. राइट, इसके जो मेन कैंपस है प्लानी में है. इसके अलावा इसके कैंपस जो हैं गोवा, हैदराबाद और दुबई में है. प्लानी, हैदराबाद और गोवा जो है बिटसैट के एग्ज़ाम से गवर्न होते हैं, जबकि दुबई का कैंपस जो है उसके एडमिशन का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है. तो हम लोग बिटसैट की बात करेंगे, यानी प्लानी, गोवा और हैदराबाद की बात हम लोग करने जा रहे हैं. ठीक है, तो चलिए समझते हैं. देखिए, नॉर्मल प्रोसेस की बात करें तो एग्ज़ाम कैसा है भाई. एग्ज़ाम ऑनलाइन है, 3 घंटे का है. कंडक्ट कौन करता है? बिट्स प्लानिंग इसको कंडक्ट करता है. कितनी सीटें हैं? अप्रॉक्सीमेटली 2000 सीट्स हैं. ठीक है, कितने कैंडिडेट बैठते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख कैंडिडेट्स इसमें अपीयर होते हैं. ठीक है, तो नॉर्मल इसका एग्जाम प्रोसीजर जो है अप्रैल से लेकर जून तक पूरा एडमिशन होकर काम खत्म हो जाता है. बट इस साल जैसे ही आप सभी लोग जानते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड एक इवेंट पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, कोरोना पैंडेमिक, COVID-19, जिसकी वजह से सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो इधर उधर हो गए हैं. ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी आपने सुना होगा कि ऑप्शनल ऑप्शन दे दिया है कि आप देना चाहें तो दें, नहीं देना चाहें तो ना दें, है ना, जो बचे हुए एग्ज़ाम्स हैं. ठीक है, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स हैं हालांकि वो, और JEE की और नीट की डेट्स पोस्टपोन हो गई हैं. जैसा आप जानते होंगे सितंबर में चली गई हैं, है ना. JEE एडवांस 27 सितंबर को है, और सारे जो हमारे JEE मेंस और नीट जो हैं वो सारे का सारा जो एग्ज़ाम्स हैं सितंबर में चले गए हैं. बट आप जैसा ये भी जानते होंगे कि अभी लास्ट टू लास्ट वीक IIIT हैदराबाद का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और उसका रिजल्ट भी आ गया है. आप सभी लोगों को ये भी पता होगा, और IIIT हैदराबाद भी एक बहुत बड़ा कॉलेज है, है ना. तो वैसे ही बिट्स के साथ एक अच्छी न्यूज़ ये है कि भाई हाँ, बिट्स का एग्ज़ाम भी जैसा अभी तक, जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस समय तक अगर हम बात करते हैं तो 6 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में प्रोनाउंस किया गया है. ठीक है, तो ये एग्ज़ाम जो है 6 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में होगा. तो इसकी तैयारी के बारे में ही हम बात कर रहे हैं. हमारे पास पूरा अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना है अभी, और 1 महीने में हम इस टॉप कॉलेज में, कॉलेज ऑफ एमिनेंस में कैसे मार्क बना सकते हैं, उसकी बात हम लोग बेसिकली कर रहे हैं आज इस छोटे से इस वीडियो में. ठीक है, और मैंने जैसा कहा कि सीक्रेट की बात भी हम करेंगे एंड में. ठीक है, चलिए तो देखते हैं पैटर्न कैसा है. भाई पैटर्न में फिजिक्स के 40 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चंस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के 15 क्वेश्चन और लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन. तो जो ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होते हैं. ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स जो हैं वो मेरिट में ऐड नहीं होते, इस बात को ध्यान रखिए. बट जितने भी मुझे लगता है बच्चे जो 12th पढ़ लेते हैं, ख़ासतौर से जो मेट्रो सिटीज़ के होते हैं, उनको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, और ये 25 में से 23-24 क्वेश्चन सभी लोग ठीक कर लेते हैं. मतलब मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ करीब, और मैंने नहीं देखा कि कभी भी बिट्स के एग्ज़ाम में कोई भी बच्चा जो है उसको प्रॉब्लम इस चीज़ में फेस हुई हो कि उसका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या लॉजिकल रीजनिंग जो है वो नहीं सही से कर पाया हो. राइट,
अब हम लोग बात करते हैं कुछ कट ऑफ की, कि आप लोगों के मन में थोड़ा वो रहता होगा कि कितनी कट ऑफ किस कॉलेज में जाती है। तो आपकी स्क्रीन पर जो है बिट्स प्लानिंग की कट ऑफ जो है हमने 2018 तक की यहाँ दिखाएंगे, 2019 की मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एक आप एक ट्रेंड नोट करिए कि जो जैसा एक पूरी सोसाइटी में हम सब लोगों में जो एक एक इच्छा है कंप्यूटर साइंस लेने की, वही टॉप पर है, फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो 2019 भी इससे कुछ गया नहीं था, 2019 में भी बच्चों ने ऐसे ही चूज़ किया कि कंप्यूटर साइंस को फर्स्ट चॉइस बनाते हुए सिविल को लास्ट चॉइस अपना बनाया है। तो अब आप देखोगे कि कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने के लिए ऑब्वियसली मार्क्स जो हैं वो बहुत हाई रिक्वायर्ड है ना, कि हम जो है 380 मार्क्स की बेसिकली बात कर रहे हैं जब हम कंप्यूटर साइंस में बात कर रहे हैं। आइए और कैंपसेस के बारे में देखते हैं, फिर कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये प्लानिंग की बात हो गई। अगर हम गोवा कैंपस की बात करें तो गोवा कैंपस भी अगर आप देखेंगे, गोवा कैंपस में इस तरीके से सीट्स हैं, यहाँ पर भी कंप्यूटर साइंस जो है टॉप पर है। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स गोवा कैंपस में पढ़ते हैं और गोवा कैंपस लिटरली कंप्यूटर साइंस के लिए अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्लानिंग में अगर नहीं होता है आपका तो लाइफ इज़ ओवर, नो, यू हैव गोवा कैंपस, इट हैज़ ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटी इन कंप्यूटर साइंस, सो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, राइट। 2019 में देखें तो 2019 में भी बात वैसी ही रही है, कंप्यूटर साइंस को ही सबसे ज़्यादा बच्चों ने, आप लोगों ने वैल्यू दी है। तो ये तो सब स्टूडेंट की चॉइस है, जिस ब्रांच को ज़्यादा चूज कर लेंगे उसी ब्रांच पर जो है नंबर हिट हो जाएगा, ठीक है। फिर हैदराबाद कैंपस की बात करते हैं, सेम फैशन में ब्रांच का बिहेवियर अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर, तो चाहे वो IITs हो, चाहे वो NITs हो, चाहे वो CFTI हो, GFTI हो या बिट्स हो, मोर और लेस ब्रांच का बिहेवियर एक जैसा ही है, क्योंकि हमारा जो सोचने का तरीका है वो एक जैसा है, कॉलेज डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, है ना। तो वैसे ही 2019 में भी अगर आप देखिए तो ट्रेंड वही बरकरार रहा हैदराबाद कैंपस में। तो यहाँ पे हम मोटा मोटी कह सकते हैं कि 325 से लेके और 390-400 के बीच में आपको कहीं पर भी बिट्स के तीनों कैंपस में कंप्यूटर साइंस मिल सकती है, ठीक है। तो 325 आई कैन से कैन बी ए सेफ स्कोर टू स्कोर ए गुड ब्रांच इन एनी ऑफ द कैंपसेस ऑफ बिट्स, राइट। तो अभी बहुत सारा पढ़ चुके हो, पढ़ पढ़ के परेशान भी हो गए होगे, है ना, कि भाई एग्ज़ाम अप्रैल में होना था, फिर जुलाई में हो गया और अब सेप्टेम्बर में हो गया, और दुनिया में कौन जानेगा कि सेप्टेम्बर में भी होगा या नहीं होगा, है ना। तो ये तो हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। तो अब हम लोग किस तरीके से अगले एक महीने को फोकस करें उस पर 2 मिनट लगाते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक एनालिसिस हम लोग करेंगे, क्योंकि साइंस के हम भी स्टूडेंट हैं, मैं भी इंजीनियर हूँ, आप सब होने वाले इंजीनियर हैं, है ना। तो हम लोग एक साइंटिफिक एनालिसिस की बात करते हैं और ये देखते हैं कि हम किस तरीके से एग्ज़ाम को कौन कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे, कौन से टॉपिक्स हैं, क्या करना है, किसको ज़्यादा फोकस करना है, किसको कम फोकस करना है, और फिर फाइनली सीक्रेट की बात जो मैंने आपसे कही वो हम करें, राइट। तो ये हमने 10 साल की एनालिसिस की है बिट्स की, ठीक है। ईयर वाइज मैं इसलिए नहीं दे सकता हूँ क्योंकि बिट्स का पेपर आउट नहीं होता है, तो ये मेमोरी बेस्ड पेपर पे हम लोग बनाते हैं, तो उसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, राइट। तो आप देख सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी वेटेज रख रही है ना। तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो टोटल दिया हुआ है वो पिछले 8 साल 10 साल के क्वेश्चंस का टोटल है, मतलब उसका एवरेज बेसिकली आप कह सकते हो, राइट। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो SNP ब्लॉक एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जिसमें आपको ज़्यादा स्कोर दिख रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। SNP ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल कॉन्सेप्ट जिसको स्टोइकोमेट्री कहते हैं उससे भी काफ़ी बड़ा चंक जो है वो आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो जैसे एरोमेटिक कंपाउंड से 8 साल में एक क्वेश्चन आया है, तो इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। सिमिलरली न्यूक्लियर केमिस्ट्री में 8-10 साल में एक क्वेश्चन आया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बिट्स की नज़र में बहुत अच्छा टॉपिक नहीं है, हालांकि बहुत अच्छा टॉपिक है, बट बिट्स की नज़र में बहुत अच्छा टॉपिक नहीं है। थर्मोकेमिस्ट्री में देख रहे हैं तो हम सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं, तो ये भी बहुत अच्छा बिट्स के लिए टॉपिक नहीं है। तो हम लोगों को जिन टॉपिक्स पे फोकस करना है वो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जिसका नंबर हाईएस्ट उस टॉपिक्स पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो IIJEE को अगर हम देखें और बिट सेट को देखें तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पर टिग्नोमेट्री बहुत बड़ा चंक लेके जा रही है, जबकि JEE मेंस में टिग्नोमेट्री इतना बड़ा चंक नहीं लेती है, ठीक है। तो JEE मेंस के मुकाबले बिट सेट में एक फ़र्क ये है कि टिग्नोमेट्री, JEE मेन में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलोड बाई द अदर टॉपिक्स एज पर
इम्पॉर्टेंस, ठीक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी दिख रहे हैं आपको जो आप पहले जेई मेंस एडवांस के लिए ज़्यादा अच्छा मानते हैं, बट यहाँ पर उनकी कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो बिट्स के लिए यही टॉपिक्स जो हैं जिसका स्कोर हाई है, वो टॉपिक्स आपको जिसके आगे जो नंबर हाईएस्ट लग रहा है उस टॉपिक को आपको फोकस करना है, ठीक है। चलिए अब मेरे सब्जेक्ट की बात आती है, फिजिक्स की, ठीक है। तो फिजिक्स में अगर हम देखें तो इसका पैटर्न काफ़ी जेई मेंस जैसा है कि मॉडर्न फिजिक्स डोमिनेटेड है, मॉडर्न फिजिक्स डोमिनेटेड है, फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत डोमिनेटिंग है यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत डोमिनेटिंग है, ठीक है। तो ये चैप्टर्स हैं जिन पे हमें लगता है कि हमें फोकस करना चाहिए। और देखिए बड़ी अच्छी बात यह है कि अगर आप इसको ध्यान से देखो, जो क्लास ट्वेल्थ का आपका सिलेबस है, राइट, जिसको देखिए अभी आपने बोर्ड क्लियर करा है और 15 तारीख को रिजल्ट भी शायद आपका आ जाए, वो टॉपिक्स काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं, है ना। ट्वेल्थ क्लास के टॉपिक्स काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं, हीट 11th क्लास से है वो डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। बट स्टिल काफ़ी टॉपिक्स ट्वेल्थ से डोमिनेट कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए कि जो हमने टॉपिक्स हमारे लिए फ्रेश हैं वही टॉपिक्स बिट्स के एग्ज़ाम में डोमिनेट कर रहे हैं। तो जिनमें स्कोर हाई है इनको पहले रिवाइज़ करिए, अगले एक महीने का टारगेट आप यही रखिए। देखिए 325 नंबर लाने के लिए आपको करीब जो है 80 क्वेश्चंस जो हैं वो सही करने हैं, ठीक है। 80 क्वेश्चंस, देखिए बिट्स का पेपर थोड़ा सा तो इजी होता ही है, तो मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी बाज़ार में जो बिट्स की किताब, कोई भी प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं उसको लेके कर डालिए, ठीक है। अगर आप विद्या मंदिर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता ही है कि आपके अकाउंट में हम लोगों ने बिट्स के सारे पेपर्स डाल दिए हैं, तो आप अपने अकाउंट में जाके, LMS में जाके, ऐप में जाके अपने उन पेपर्स को अटैम्प्ट कर सकते हो, टाइम बाउंड है ना, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो ये पेपर के टॉपिक्स की बात हो गई मोटा मोटी कि जो आप देख सकते हैं और निकाल सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके उन टॉपिक्स को नोट कर सकते हैं और उनका रिविजन प्लान अपना वैसे ही बना सकते हैं। अब बात आती है सीक्रेट की। देखिए अगर आप अपना पेपर 2 घंटे 40 मिनट के आसपास या 2 घंटे 45 मिनट के आसपास ख़त्म कर लेते हैं, तो आप अपने पेपर को लॉक करके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें बड़े बच्चे गलती करते हैं, है ना, कि सबको ये पता तो होता ही है, जैसे मैंने कहा होगा सीक्रेट तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि हम बोनस की बात ही कर रहे हैं। अब बोनस में गलती क्या होती है, बच्चे पेपर लॉक कर देते हैं, ठीक है, और लॉक करके उन क्वेश्चंस की तरफ चले जाते हैं जो बोनस क्वेश्चंस हैं, राइट। और ये सिर्फ आपको तभी करना है जब आपने डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपने डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन नहीं करे हैं और आप 2 घंटे 40 मिनट या 2.5 घंटे या 2.75 घंटे पर पेपर को लॉक कर दे रहे हो, तो ये आपको उल्टा नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, तो ये आपको उल्टा नुकसान पहुंचा देंगे। तो आप सिर्फ और सिर्फ बोनस सेक्शन तभी अनलॉक करें जब आप 2 घंटे 40 मिनट के आसपास जो है पेपर को कर लें, फिर आप बोनस के लिए ऑप्ट करें। बोनस में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर दीजिए, और जो भी आप एक्स्ट्रा सॉल्व कर देते हो वो आपके लिए एक बेनिफिट ऐड हो जाता है, वो आपके लिए एक नंबर्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं, आपको प्लानिंग कैंपस में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि सीक्रेट यही है बिट्स के पेपर का कि इसमें बोनस सेक्शन होता है, बट हर अच्छी चीज़ के साथ एक बुरी चीज़ इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर यह बुरी चीज़ इन्वॉल्व यही है कि आप जब इसकी बात कर रहे हैं, बोनस सेक्शन जब आप खोल रहे हो, तो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से कि वो प्लीज़ जो है तभी बोनस सेक्शन खोलें अगर उन्होंने राइट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 120 में से या 120 और 15 और 25 जो 145 क्वेश्चन है उसमें से आपने 50-60 क्वेश्चन सिर्फ किए हैं और आप जो हो वो उसको खोलने जा रहे हो। तो अगर साइंस की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की, तो 120 में से अगर आप 100 क्वेश्चन के ऊपर कर चुके हो तभी आप बोनस को खोलिए, अदरवाइज आप बोनस को मत खोलिए। तब आप फिर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जो क्वेश्चंस आपके एक्चुअल पेपर के अंदर हैं, ठीक है। तो बोनस के पीछे भागने की तब फिर ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसके साथ ही आप सभी लोगों को खूब सारा बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से। मैं एज ए टीचर और मेरी टीम आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हैं कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम, चाहे वो बिट सेट हो, जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, जो भी हो, उसमें आप खूब अच्छा परफॉर्म करें, खूब बढ़िया करें। और जो है इस समय देखिए एन्जाइटी तो सबके मन में है ना, और उस एन्जाइटी के अंदर ही हमें एग्ज़ाम को देना है कि भाई क्या होगा, है ना, अभी एग्ज़ाम टलेगा नहीं टलेगा, ये सेमेस्टर कैसे कंप्लीट होगा। तो देखिए
इस सब से कुछ नहीं है, जो भी होगा पूरे वर्ल्ड के साथ एक जैसा होगा, वही आपके साथ होगा। 2020 इतिहास में, हिस्ट्री में एक ऐसा साल है जो सब याद रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा एग्ज़ाम डिले हो रहे हैं, आप सब लोग परेशान हो रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि हम जून में खेल सकते थे, बाहर घूमने जा सकते थे, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएं, दो साल से तीन साल से आप सब लोग मेहनत कर रहे हो, बट ऐसा नहीं हुआ। अब सितंबर की बात आ गई, कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, पहली बार हमारी लाइफ में भी हो रहा है, आपकी लाइफ में भी हो रहा है, तो दिस इज़ समथिंग विच नीदर मी नीदर यू और नीदर एनी बडी इन द वर्ल्ड, मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड लाइक डोनाल्ड ट्रंप एंड नरेंद्र मोदी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो हम लोग, हम और आप तो खैर क्या हैं जो कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन बात यह है कि जो बातें मैंने कहीं उस पर ध्यान थोड़ा सा दें। वीडियो को फिर से चाहें आप रिवर्ट करके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़रूर देख लीजिए, किस किस की वेटेज ज़्यादा है। कट ऑफ की बात रही तो कट ऑफ मोर और लेस एक जैसी बिहेव करती है। आप ये मान लो कि आप 325 से ज़्यादा नंबर लेके अगर आ जाते हो तो आपका बिट्स में एक अच्छी ब्रांच के अंदर एडमिशन हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। बोनस के बारे में मैं फिर से बोलूँगा कि प्लीज़ जब तक मत खोलिएगा जब तक आप जो है कम से कम 100 PCM के क्वेश्चंस ना कर लें, वरना वो उल्टा आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और आप सबको फिर से एक बार ऑल द बेस्ट कहता हूँ। थैंक यू सो मच।